कला, धरती की कला है, और धरती हम उसे चाहे जो भी नाम से जानते हैं वही माटी की धरती है। लोक साहित्य का सबसे विस्मित करता स्वरूप लोक गाथाएं कथाएं हैं, जिनमें झलकता है अंचल प्रदेश का जनजीवन, रीति रिवाज, परंपराएं और लोक विश्वास। देवभूमि में जहां ईजा की सुनाई लोरियां और दंत कथाओं में देवी देवता, भूत प्रेत या परियों का डेरा तो लगता ही है, पशु पक्षी, फल फूल और पेड़ पौधों तक को मनुष्य कथा में पात्रता मिल जाती है। तो आइए सुनते हैं ऐसी ही एक अनूठी विशिष्ट कथा, जो सृष्टि की कथा है और धरती के उद्गम से जुड़ी है। जल फल भूमि तब पशु पखाण क्वे नीची, तदिन भगवाना सुनारूपी करुणी भई। जल स्थल पृथ्वी और पशु पक्षी तब कुछ भी नहीं थे उस समय। उस समय परमात्मा ने एक सुनहरे नर और एक रूपहली मादा गरुड़ की रचना की। रूपहली मादा गरुड़ आंसू की बूंद उठाकर निगलने से गर्भवती हो गई। ओ सुनहरे गरुड़, मेरे ऊपर कोई स्थान खोजो, मैं इसे जन्म कहां पर दूं? मैं स्थान कौन सा बताऊं, सारी पृथ्वी तो जलमग्न है। आओ मेरी पीठ पर इसे जन्म दे दो, तुम इसका भार ना वहन कर सकोगे। तुम्हें स्थान कौन सा बताऊं? आओ मेरी पीठ पर ही इसे जन्म दे दो। सुनहरा गरुड़ उसका भार ना वहन कर सका और वो नीचे आ गिरा। उसके टूटने से ब्रह्मांड की रचना हुई। निचले भाग से तीन तलों वाली धरती का निर्माण हुआ। यानी कि प्राण तो समुद्र में जा छिपे हैं। तब
ईश्वर ने सोने का मानव बनाया। सारी बाती जाग हुंदी अराई
लोक संसार एक ऐसी जगह ठहरी जहाँ मानव मन से जुड़े सभी पहलू आत्मीयता से भरे होते हैं। त्योहार हो या कोई धार्मिक कर्म, संसारिक रीत हो या फिर देवी देवताओं, पितृगणों और बंधु बांधवों को याद करते निमंत्रण गीत, हास परिहास और स्वच्छंदता का ऐसा सुंदर चित्रण जिसमें रोजमर्रा घटित होती जीवन कथा को वाणी मिल जाती है। अंतर की गहराइयों में छुपी अभिव्यक्ति पाने को छटपटाती भावनाएं, चाहे वो फिर किसी अंचल के मानव की हो या शहर के, बस इन लोकगीतों के माध्यम से फूट पड़ती है। तो आइए देखते हैं एक ऐसी ही अभिव्यक्ति